हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से लेके आए हो नई वीडियो के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं, वो चीज़ें कैसे आपके साइट पे जहाँ आप काम करवाते हो, घर पे, गांव में, कहीं पे भी लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो वो चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉलम है। कॉलम के बाद ये ब्रिक वर्क है, जो जिसको हम ईंट से वो ब्रिक वर्क का काम करते हैं, वो ये चीज़ है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये ब्रिक वर्क है और कॉलम है, बिल्कुल सेम एक लेवल पे है, सही है। तो ये काम जो इस तरह से अगर होता है, तो वो समझिए वो काम आपका सही है। प्लास्टर आप करोगे तो बिल्कुल आपका लेवल में आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात एक और है कि इसमें जो कॉलम जैसा होता है, कॉलम बहुत सारे जगह कॉलम ऐसा होता है कि कॉलम आउट हो जाता है, ब्रिक वर्क अंदर रहता है, बाहर रहता है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे ये आप कॉलम देख रहे हैं और ये ब्रिक वर्क है। ये ठेकेदार लोग क्या करते हैं, गांव में काम आप करवाओगे तो ये आप देख सकते हैं 2 सेंटी का इसमें फ़र्क है। तो वो क्या बोलेंगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लास्टर में आ जाएगा, वो हम मेकअप कर देगा प्लास्टर में। तो दोस्तों, बात मेकअप करने वाली नहीं है कि प्लास्टर में उसको कर देगा, सही है, चलो अच्छा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जब प्लास्टर करेगा ना, तो आपका 2 इंच इतना ज़्यादा मसाला आ जाएगा, और बाद में क्या होगा कि आपका मसाला जो है वो, आप एक तो पैसा ही बर्बाद होगा, दूसरी चीज़ जब आप प्लास्टर करवा दोगे ना, तो मसाला मोटा होगा, तो आपका धीरे धीरे करके वो आपका पूरा खलास हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा आपका कभी हो जाता है तो क्या इसका तरीका है, किस तरीके से आप करेंगे तो आपका ये बिल्कुल सही रहेगा। तो वीडियो में लगे रहिए, आपको सारी चीज़ तरकीब से मैं बताऊंगा। गाइस, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ये इसमें ये ब्रिक वर्क कॉलम बाहर आ गया, ब्रिक वर्क अंदर है। तो प्लास्टर करने का इसमें तरीका क्या है, किस तरह से आप प्लास्टर इसको करेंगे कि आप जो प्लास्टर है वो बिल्कुल सक्सेस हो, ऐसा नहीं कि बाद में फिर दिक्कत आ जाए ये चीज़ के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो आप प्लास्टर करोगे, तो प्लास्टर समझाइए 2 सेंटी का, सही है। तो प्लास्टर इसका आप फर्स्ट टाइम 1 सेंटी का प्लास्टर करवाओ, 1 सेंटी का प्लास्टर करवाओ। और ऐसा नहीं कि दो, मतलब बिल्कुल एक ही बार में लेवल में कर दिया तो हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 1 सेंटी का प्लास्टर करवाओ, प्लास्टर करवाने के बाद उस पर स्क्रैच करो, सही है। जैसे किसी भी चीज़ से आप स्क्रैच कर सकते हो, झाड़ू से या किसी चीज़ से प्लास्टर करने के बाद जब आप स्क्रैच करोगे उसको, फिर उसके बाद से जब वो सूख जाएगा तो दोबारा आप उस पर डबल कोट, जैसे एक सिंगल रहेगा तो फिर उसके बाद भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो प्लास्टर है, प्लास्टर आपको उसमें गिरने का चांसेस बहुत ही कम रहेंगे और आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसे आप एक बार में पूरा प्लास्टर कर दोगे तो सारा पैसा भी नुकसान होगा और सारी मेहनत भी जाएगी, तो कोई मतलब उसका नहीं है, सही है। तो ये चीज़ का आप काफ़ी बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कभी भी ये प्लास्टर करवाएं तो एक बार 1 सेंटी, अगर 2 सेंटी है तो 1 सेंटी का पहले प्लास्टर आप करवा दें, फिर उसके बाद से उसको स्क्रैप कर दें, फिर उसके बाद से आप दोबारा उस पर प्लास्टर करवा दें। और प्लास्टर करवाने के बाद ध्यान रखिए कि कम से कम आप जो क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग मतलब आप जो उस पर पानी मारते हैं, तो पानी आप कम से कम समझ लीजिए 1 हफ्ता कंटिन्यू आपको पानी मारना है, सही है। तो 1 हफ्ता पानी मारने से ये होगा कि आपका जो स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ, वो मजबूती आ जाएगी, जो उसमें से गिरने के चांसेस रहेंगे कि निकल के आपका गिर जाएगा, झड़ जाएगा मोटा प्लास्टर, सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका ये फ़ायदा है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।